हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यह पॉलीकार्बोनेट शीट कैसे लगाया जाता है। जी हां दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में, आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं। यह पॉलीकार्बोनेट शीट कैसे बनाए हैं, इसमें कितना मटेरियल लगा है और यह इसका खर्चा कितना आया है, इसको कैसे बनाया जाए। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे, आगे सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह से फ्रेम बनाना पड़ेगा। फ्रेम चाहे तो आप नीचे भी बना सकते हैं या ऊपर भी बना सकते हैं, अगर छोटा है तो नीचे ही बना लें। और उसके बाद जो है इसमें हमने पाइप जो लगाए हैं वो 2x2 का स्क्वायर पाइप है, चौकोर पाइप है। दोस्तों बीच में जो पाइप लगाए हैं वो भी 2x2 का ही दिए हैं, क्योंकि अभी पॉलीकॉम्बैक शीट लगा हुआ है, आगे चल के इस पर ग्लास भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए है सेम पाइप का यूज़ किया गया है। उसके बाद फ्रेम बन जाने के बाद जो है आपको वेल्डिंग पूरा कर लें और ग्राइंडिंग को अच्छी तरह से कर दें, उसके बाद आपको इस तरह से पेंट करना पड़ेगा। दोस्तों पेंट जो है सीट लगाने से पहले कर लें। इसमें जो हमने 2 कोट पेंट किया गया है, इसमें प्राइमर लगा है और उसके बाद वाइट कलर का ये इपॉक्सी पेंट लगाया जा रहा है। दोस्तों इसमें हम जो लगा रहे हैं ये पानी गिरने के लिए गटर लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रेन वाटर गटर बोला जाता है, स्क्वायर गटर भी इसको बोलते हैं। यह 6 इंच चौड़ाई और 5 मीटर इसकी लंबाई आती है। दोस्तों यह पीवीसी मटेरियल से बना हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इस तरह से आपको यह गटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उससे पहले आपको इस तरह से क्लैंप लगाना पड़ेगा। दोस्तों यह क्लैंप की दूरी जो है कम से कम 1 मीटर के अंदर ही रखें, और उसके बाद क्लैंप हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमने इसको फिटिंग कर दिए हैं। और एक तरफ जो है इसमें पानी गिरने के लिए ड्रॉप लगाए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इसमें हमने स्टॉपर दिए हैं। दोस्तों यह गटर जो है 5 मीटर लंबा आता है और थोड़ा सा जॉइंट किए हैं। उसके बाद हम लोग जो शीट कटिंग कर रहे हैं, दोस्तों आपको बता दूँ ये पॉलीकार्बोनेट क्रिस्टल शीट है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 mm इसका थिकनेस है। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग थिकनेस के उपलब्ध हैं, लेकिन यह जो है 2 mm की है क्रिस्टल सीट। इस तरह से जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीट है, लगभग इसका 10 साल का गारंटी कंपनी लेती है यह सीट की। तो आपको दोस्तों यह सीट लगाने से पहले आपका जो फ्रेम है वो पूरा साइज़ ले लें। अगर आप गटर लगा रहे हैं वाटर गटर तो उसका अंदर जो है कम से कम 3 इंच ज़रूर डालें, और 3 इंच तक ले कर साइज़ इस तरह से मार्किंग कर लें। दोस्तों यह जो सीट है एक साइड जो है प्लेन रहता है, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर में प्लेन है जिसमें फिल्म लगा हुआ ये पन्नी चिपकाया गया है, और नीचे जो है क्रिस्टल टाइप का डिज़ाइन रहता है। उसके बाद यह जो है सीट कटिंग करने के बाद प्लास्टिक जो यह फिल्म है वो निकाले नहीं, इसको फिटिंग करने के बाद निकालें, यानी कि ऊपर जब रख लीजिएगा तब जाके इसको निकालें, क्योंकि यह क्लियर सीट है इसलिए हम लोग नहीं निकाले हैं। ऊपर फिर स्क्रू लग जाएगा, उसके बाद बिटिंग लगाते समय इसको हम लोग निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है यह सीट को आप लोग बिठा सकते हैं ऊपर उठा के, और इसमें पहले आपको एक एक स्क्रू लगा देना है बिटिंग लगाने से पहले, ताकि आपका सीट जो है बिल्कुल जॉइंट में टच रहे। और उसके बाद स्क्रू लगाते समय जो है आपका जो फिल्म है ये प्लास्टिक जो देख रहे हैं पहले से चिपका हुआ रहता है उसको थोड़ा सा हटा लें, क्योंकि उसमें अगर स्क्रू में लग जाएगा तो फिर बाद में पानी लीकेज का समस्या हो जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा फिल्म हटा लें और उसके बाद स्क्रू लगा के फिर आपको बीडिंग लगाना है। दोस्तों बीडिंग लगाने से पहले आपको इस तरह से जॉइंट जो आप देख रहे हैं यह जॉइंट है, यानी कि 2 सीट जो है उसका जॉइंट है, उसमें यह सिलिकन है। दोस्तों इसको सिलिकन सेलेंट बोलते हैं, यह वाटर लीकेज करने से बचाता है, यानी कि वाटर प्रूफ है। दोस्तों यह हमने जॉइंट में लगा रहे हैं, यह सिलिकन क्लियर कलर का है। दोस्तों यह 3 कलर में मिलता है, ब्लैक, वाइट और क्लियर। तो यह सीट हमारा क्लियर है, इसलिए इसको क्लियर ही सिलिकन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जॉइंट में जो है इस तरह से सिलिकन अप्लाई कर लेना है, क्योंकि आगे चल के जो पानी लीकेज ना हो। ये प्लास्टिक की है, धूप पड़ने के बाद थोड़ा सा इसमें नरमी आ जाता है, तो इस तरह से जो है लीकेज भी आ सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको सिलिकन लगा लें और उसके बाद जो है इस तरह से बीडिंग लगाएं। दोस्तों ये एल्युमिनियम बीडिंग है, इसमें हमने देख सकते हैं स्क्रू लगा दिए हैं। स्क्रू लगाने के बाद आपको इस तरह से यह रबर वाली बीडिंग लगाना है।
दोस्तों यह जो बीडिंग लगा हुआ है आप चाहें तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं या स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों बीडिंग जो है बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ बिठा दें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह हमारा बिल्कुल ही बैठ चुका है, फिटिंग हो रहा है अच्छी तरह से, क्योंकि यह अगर फिटिंग नहीं होगा तो इसके नीचे से पानी जाएगा, तो इसीलिए जो है यह बीडिंग आपको अच्छी तरह से बिठा लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गटर के लेवल तक जो है बीडिंग लग गया है और उसके बाद इस तरह से हम लोग कटिंग कर दे रहे हैं। दोस्तों वाटर गटर के बीचों बीच सीट रखें ताकि पानी जो है आसानी से गिर सके। आपको बता दूं इसमें जो ढलान हम लोग दिए हैं वह 3 इंच ही दिए हैं, क्योंकि आगे चल के पार्टी का मन होगा कि यह पुराना हो गया है, तो दोस्तों वह जो है इस पे ग्लास भी फिटिंग करवा सकते हैं, इसीलिए इस तरह का यह स्ट्रक्चर बनाया गया है। आइए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं इस तरह के सेट बनाने के लिए खर्चा कितना होता है। दोस्तों कितना रुपया इसमें लगा है तो आपको बता दूं, इसका सारा मटेरियल सीट पाइप और हमारा लेबर पेंटिंग करके दोस्तों हम लोग 200 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं। अगर आप चाहते हैं बनवाने के लिए तो आपका अगर विचार है कि नहीं हम मटेरियल भी देंगे पाइप भी देंगे सारा चीज़ हम देंगे, आपका खाली मशीन और आप खुद काम करिएगा, वो कितना रुपया लीजिएगा, तो दोस्तों आपको बता दूं वह जो है हम लोग 60 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। दोस्तों प्राइस जो हमने बताए हैं वो ज़्यादा या कम आपके शहर के हिसाब से या दिन के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा दिन बाद में भी देखिएगा तो हो सकता है उस समय थोड़ा कम हो जाए, इसलिए प्राइस का जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें ताकि जिनको बनवाना हो इस तरह की जानकारी उन्हें मिले और अच्छी तरह से इस तरह के सेट बनवाएं।